The slightest pressure on the trigger. Okay, दोस्तों. Major General. तो फर्स्ट किल हम इस जनरल का करने वाले हैं. देखते हैं कि हमारा शूट शॉट लगेगा या नहीं लगेगा दोस्तों. सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आपका हार्दिक स्वागत है. तो आज हम एक न्यू गेम का गेम प्ले करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्नाइपर एलाइट V2 रीमास्टर्ड. बेसिकली ये गेम PS3 के लिए लॉन्च करी गई थी 2012 में, पर इसे PS4 में रीलॉन्च करा गया रीमास्टर्ड के नाम से 2019 में दोस्तों. तो इस गेम के अंदर एक अमेरिकन ऑफिसर है दोस्तों, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अभी. इसका काम है कि एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है जर्मन के, उन्हें डिफीट करना. तो ये इसका मोटिव होने वाला है दोस्तों. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम गेम को. तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ दोस्तों अपना. चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें दोस्तों. सिंगल प्लेयर खेलेंगे हम. न्यू गेम, मार्क्समैन ओनली, मीडियम हो जाएगी इस टाइम गेम दोस्तों. Hitler's war machine. तो हिटलर्स वॉर मशीन, ये सारी स्टोरी बता रहा है दोस्तों. हम इसे बैठकर आराम से सुनते हैं. Allies in the west and Russia in the east were squeezing the tattered remnants of the Reich in a vice-like grip. Germany's last hope lay in their wonder weapons. The V2 rocket, a huge leap forward in the history of military technology. जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट बना रहे हैं, a new form of warfare, inhuman. जिन्हें अमेरिकन ऑफिसर मारने वाला launched over 3,000 rockets in a desperate attempt to reverse history. It was a terror weapon, pummeling Antwerp. तो ये बहुत बड़ा वेपन था दोस्तों. And London. तबाही करने के लिए. After the D-Day landings, their launch sites were overrun and pushed back out of range of England. But already the Allies were looking to the future, to the next war. The Americans were gathering up the best of Germany's rocket scientists in the top secret operation Overcast. Many of the architects of the V2 program had already been acquired, but not all. With Berlin encircled, Germany's last ditch defense falling back block by block, and total defeat only days away, those scientists remaining in the city would soon be in Russian hands. My job was to make sure that didn't happen. तो इसी बंदे की आवाज है दोस्तों, ये मेन जो करैक्टर है. Major General Hans von Eisenberg was negotiating in secret for safe passage for his team. Five of the V2 program's top men. तो ये बंदा पांच बंदों में से टॉप पे टॉप मैन है, मतलब V2 प्रोग्राम का दोस्तों, जिसके बारे में बात कर रहा है मेजर जनरल हैंस. I was prepared, focused, confident. तो शायद हमारा फर्स्ट के लिए ही होने वाला दोस्तों. तो ये रहे हम. यूजिंग बाइनोकुलर्स चेक दैट द वे अहेड इज क्लियर. ओके, तो हम बाइनोकुलर्स को यूज करते हैं दोस्तों R3 से. तो इससे हमें चेक करना पड़ेगा. ओहो, ये तो कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया दोस्तों. तो रूट क्लियर है. तो ये जो येलो मार्कर है, ये उस पर जाना पड़ेगा दोस्तों हमें. क्लाइम करते हैं. Place a trip mine assist, you escape from the area later. Okay, तो हमें एक ट्रिप माइन लगाना पड़ेगा यहाँ पर दोस्तों. ओके, तो अभी मैं थोड़ा समझा नहीं दोस्तों, कैंसिल करते हैं. हमें यहाँ से ट्रिप माइन लगाना पड़ेगा, इस एरो से दूसरे एरो तक. इस दरवाजे को पूरा, इस डोर को पूरा कवर कर देना दोस्तों, ताकि यहाँ से कोई आया ना सके वापस दोस्तों. रीच द बिल्डिंग अपोजिट विदाउट बींग डिटेक्टेड. तो दोस्तों हमें जाना है बिल्डिंग के अपोजिट साइड साइलेंटली, वो भी और सामने गार्ड से दोस्तों. तो इन गार्ड्स को हमें डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले.
Ist deine Frau aus Berlin rausgekommen? तो इसके लिए हमें रॉक थ्रो करना पड़ेगा. Nicht wesentliche Kommunikationen sind verboten. Wenigstens keine Flächennachrichten, oder? Keine Nachrichten. Was war das da alles? Ich will nicht daran denken. तो okay, वो बंदे वहां जा रहे हैं दोस्तों. अब हम चलते हैं अंदर. By adopting a prone position, you will have a steadier aim and crawl through confined spaces. Okay, prone हो जाते हैं दोस्तों. तो यहाँ से ऐसे ही हमें आगे जाना पड़ेगा और इससे क्या है, स्टेबिलिटी बनी रहेगी शूट करने में दोस्तों. एम करने में हमें स्टेबिलिटी मिलेगी क्रॉल के अंदर. यूज कवर. ओके, सारे इंस्ट्रक्शंस है दोस्तों. अभी तो मूव टू द एज. ओके, नेक्स्ट कवर के लिए हमें मूव करना पड़ेगा और यहाँ से हम अपनी गन चेंज कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट हेड शॉट हमने कर दिया है दोस्तों. और लैंड माइन भी हम यूज कर सकते हैं दोस्तों. अभी तो कितनी सारी डिस्ट्रक्शन देने वाला है बंदा. तो हम प्लेस कर देते हैं. अब हम चलते हैं दोस्तों. कोई भी अगर उस पर चेक करने आएगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगा दोस्तों. तो ये ट्यूटोरियल जो था ये तो ख़त्म हो चुका है दोस्तों. अब मेन मिशन आई थिंक स्टार्ट होने वाला है. तो ये कौन आ चुका है? Eisenberg was punctual and made no effort to hide his ugly face. Neither did his Russian contact. Had a clear shot. The slightest pressure on the trigger. Okay, दोस्तों. Major General. तो first kill हम इस general का करने वाले हैं. The square was well sheltered, so there was no wind to worry about. I had to aim one notch above the target to compensate for bullet drop. I controlled my breathing to steady my aim. Okay. तो थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों. देखते हैं कि हमारा shoot. शॉट लगेगा या नहीं लगेगा दोस्तों. तो सीधा गर्दन पे शॉट लगाया दोस्तों. तो अब हमें स्केप करना है दोस्तों जल्दी से. वो भी येलो मार्कर की तरफ जाना पड़ेगा दोस्तों. और नीचे का आई थिंक गार्ड है दोस्तों. वो रहा दोस्तों गार्ड. तो हम स्नाइपर को खोलते हैं दोस्तों और शूट करने की कोशिश करते हैं. ये रहा दोस्तों वो गार्ड. तो हमने इसे किल कर दिया है दोस्तों. अब हमें येलो की तरफ जाना पड़ेगा, येलो मार्कर की तरफ भागते हुए दोस्तों. पर यहां तो दोस्तों एक टैंक आ चुका है, हमें यहां से भागना चाहिए दोस्तों. तो इस टैंक को हम कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे दोस्तों? वो रहा दोस्तों येलो पॉइंट. आगे बढ़ते हैं कवर लेते हुए. क्राउच हो जा जल्दी से, मैं फटाफट निकलना पड़ेगा नीचे होकर दोस्तों. अभी थोड़ी गेम को समझना मुश्किल हो रहा है दोस्तों मेरे लिए. तो फाइनली हम वहां से बचकर आ चुके हैं. हमारा न्यू ऑब्जेक्टिव है एस्केप फ्रॉम द जर्मन्स. अब हमें जर्मन से बचना पड़ेगा दोस्तों. तो बाहर आई थिंक जर्मन्स है बहुत सारे, हमें उनसे बचना पड़ेगा दोस्तों. तो गलती से मुझसे गन चल चुकी है दोस्तों. और अब यहाँ बहुत सारे गार्ड्स आ जाएंगे.
ओके तो फर्स्ट किल कर चुके हैं हम दोस्तों, और हमारी बुलेट्स भी कम हो चुकी हैं। सेकंड किल, जल्दी आओ। ओके मेरी गन अभी लोड हो रही है दोस्तों। मुझे लग रहा है दोस्तों इस बिल्डिंग के ऊपर भी है कोई। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ हमने सबको किल कर दिया दोस्तों। ओके मिल गया दोस्तों बंदा। तो वो कहाँ चले गया वो मुझे दिख नहीं रहा दोस्तों अभी। अरे रुकना, कहाँ जाएगा तू? तो अब हमें भागना चाहिए दोस्तों सामने वाली बिल्डिंग में। तो मुझे लग ही रहा था दोस्तों पीछे भी गार्ड्स है। तो इस टाइम मुझे स्नाइपर की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। पूरा क्राउल हो जाता हूं मैं, अब क्राउल होके चलूंगा दोस्तों। तो वो रहा गार्ड दोस्तों एक। तो हमें यहां से चलना चाहिए दोस्तों। दूसरी वाली विंडो पे जा रहा है वो, मैं वापस आ रहा हूँ उसी विंडो पे दोस्तों। तो किल कर दिया दोस्तों, अब हमें चलना चाहिए दूसरी साइड दोस्तों। और यहाँ भी बहुत सारे जर्मन्स हैं दोस्तों, पर इन्हें किल करने के लिए दोस्तों मेरे पास कोई बुलेट आई थिंक है नहीं अब। ओके तो मुझे अपनी स्नाइपर की हेल्प लेनी पड़ेगी दोस्तों। वो रहा एक बंदा। तो ये लगा सीधा आर पार दोस्तों। ओके वो रहा एक बंदा। ये लगेगा हेडशॉट दोस्तों। ओके और गार्ड सभी बचे हुए हैं दोस्तों। को भी नहीं छोड़ने वाले हम। ओके दोस्तों आई थिंक यहाँ कोई गार्ड आ चुका है क्या पीछे मेरी तरफ, मुझे ऐसा लगा दोस्तों क्योंकि यहाँ से फायरिंग हुई है। एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं दोस्तों कोई भी नहीं है यहाँ पर। ओके वो रहा दोस्तों, जब तक मैं उठा नहीं वो निकला नहीं दोस्तों। तो मुझे अपनी स्नाइपर को हाथ में लेना पड़ेगा दोबारा। ये रहा वो बंदा, कहाँ भाग रहा है देख लिया मैंने उसे।
निकलेगा तो सही तू। तो एक और हार्ड शॉट मार दिया दोस्तों हमने, एक गार्ड वो बचा है दोस्तों बस। आई थिंक अब तो सब खत्म हो चुके हैं यहाँ पर, अब हमें निकलना चाहिए दोस्तों। तो हमारा फर्स्ट जनरल किल हो चुका है दोस्तों। तो हमारा मिशन सक्सेस हो चुका है, हमने फर्स्ट मिशन कंप्लीट कर लिया है। आज थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई क्योंकि आज फर्स्ट टाइम हमने इस गेम को खेला है दोस्तों, तो थोड़ा सा कंट्रोल्स को समझना और स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही दोस्तों, पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम और बेटर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों मैं। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, अब हम इस गेम को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों।